behalf of getting together for this session on interview techniques and personality development, placement selection under training and placement cell. I welcome Honorable Chief Guest, Hemchand Yadav University, Durg. And also welcome our principal, Dr. D.B. Tiwari, sir, and Deputy Director, Dr. Mamta Singh, ma'am. Now, we would like to request all the dignitaries for lighting the lamp before Ma Saraswati, the embodiment of knowledge. या देवी सर्वभूतेषु महामायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ते या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्माशना या ब्रह्मांचित संकर प्रभृति भी देव सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष चाड्यापहा निःशेष चाड्यापहा सरस्वती माता की थैंक यू सो मच मैम नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट बी तिवारी सर टू प्रेजेंट फ्लावर टू अभिषेक सर Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Mamta Singh, ma'am, to present flower to Dr. Prashant, sir. Thank you, ma'am. Now I would like to request Dr. D.B. Tiwari, sir, principal of Science College, for welcoming speech. आज के कार्यक्रम में उपस्थित फिर ऑन कर देंगे कोई पीछे से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अभिषेक वर्मा सर मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई मंचासीन आदरणीय डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव DHW हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग मंच पर विराजमान महाविद्यालय के डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर ममता मैडम इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित प्राध्यापक गण स्नेहिल छात्र एवं छात्राओं हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच ऐसे प्रतिभा संपन्न लोगों का आगमन हुआ है जिनसे हमारे स्टूडेंट भी कुछ सीखेंगे इसीलिए आज ये कार्यक्रम आप सबके लिए आयोजित किया गया है मुझे आप हमेशा सुनते रहते हैं इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा और अतिथि जो बीच में हमारे उपस्थित हैं
वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं। डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव का बड़प्पन है कि वो हमेशा कहते हैं कि जमाना आप लोगों का है, तो मैं उनके लिए केवल इतना कहना चाहूंगा कि अगर गुमनाम है कोई, अगर गुमनाम है कोई तो एक नाम मिल जाए, मिले आशीष उन्हें उनका तो किस्मत भी बदल जाए। कहते हैं कि भला कैसे ना हो किस्मत किसी का रंग बदलेगा, भला कैसे ना वो किस्मत किसी का रंग बदलेगा, सुदामा को अगर जो आप सा घनश्याम मिल जाए, सुदामा को अगर जो आप सा घनश्याम मिल जाए। तो आज हम सबका जो जमाना है वो आदरणीय प्रशांत श्रीवास्तव के आशीर्वाद से है। वो हमेशा कहते हैं आज 10 साल हो गया मुझको यहाँ है, 10 साल पहले भी वो कहा करते थे कि जमाना आप लोगों का है। तो आज मैं महसूस करता हूँ कि जो जमाना हमको मिला है वो आपके आशीर्वाद से मिला है, तो आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से, आज के जो प्रमुख वक्ता हैं उनका मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से तहदिल से स्वागत करना चाहूँगा। आदरणीय प्रशांत श्रीवास्तव सर जो हमारे अग्रज हैं, मित्र हैं, और हम लोग बड़े अधिकार स्वरूप कोई बात उनसे कहते हैं, जिन्हें मानना उनकी बाध्यता है सही मगर मानते हैं, तो ये उनका बड़प्पन है और हमारा अधिकार है। मैं उनको अपने बीच पाकर बहुत आनंद अनुभव कर रहा हूँ, और खासकर बच्चों के लिए जो स्पीच उनका आएगा वो बच्चों के भविष्य के लिए या उनके जमाने को बनाने के लिए बहुत सार्थक होगा। इसी उम्मीद के साथ पुनः से एक बार महाविद्यालय में स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। So to know more about enhancement in interview phases and for improving your personality, I would like to introduce our guest, Mr. Abhishek Verma sir, Manager Reliance Industry. He is having 20 years of rich corporate experience. He worked with HDFC, ICICI, Max Life and Reliance and was always a national topper in sales in all the companies. He is having 18-year experience in training and started BrainLang Inc. and have done session in Raymond, GAIL, NTPC, Power Grid, MSEB, Maharashtra Police, etc. Sir, please come and share your knowledge with our students. अरे नहीं आप बैठो।
अभिषेक जी जो है वो आपको बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई ये कार्यक्रम कराने का पर्पस क्या है ना। वो मुंबई से आए हैं, रिलायंस से संबंधित है, बहुत सर्विस भी बताया, आपकी महाविद्यालय की छात्रा लेकिन 20 साल का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट कंपनी से काम किया। होता क्या है कि अपन लोग पीछे वाला भी सफल हो जाता है, हम असफल हो जाते, फिर हमको बड़ी निराशा होती है, मैं तो 80% आया था, मैं तो यूनिवर्सिटी का टॉपर था, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं। कुछ छोटी छोटी सी ऐसी बातें होती है जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते या जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हो सकता है जाने में ना जाता हो, लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू लेने वाला आपकी पूरी पर्सनालिटी को जज करता है ना। और वहां पर क्या होता है कि जो लोग इस तरीके के ट्रेनिंग सेशन जैसे मैडम जो उसको बुलाया, मैं तो दोनों को बधाई दूंगा, वो आपके अपने स्टूडेंट्स के लिए इतने जागरूक है, जैसे उन्होंने देखा कि भाई कल साइंस कॉलेज में अभिषेक वर्मा सर का लेक्चर हुआ था, इतना शानदार लेक्चर हुआ, 2 बजे का टाइम दिया गया था, 12 बजे का टाइम दिया गया था, 12 से 1:30 तक टाइम, लेकिन वो लेक्चर ऐसा चला कि 3:30-4 बज गए, बच्चे जाने को तैयारी की गारंटी बैठी है, कल हम लोगों को हस्तक्षेप करके सर का लेक्चर बंद कराना पड़ा कि भाई वो भी व्यस्तता है सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज है जो हमारे लिए फायदेमंद है और जिसमें इंटरव्यू में या पर्सनालिटी जिसमें हमको ध्यान नहीं देते। कभी कभी क्या होता है कि हम ज्यादा बोलने के चक्कर में अपनी गलती सामने वाले को बताते जाते है ना। अभी अभिषेक वर्मा सर आपको एग्जांपल देंगे और बड़े रिलेवेंट एग्जांपल है कि हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं तो हम अपनी गलतियां खुद सामने वाले को देते जाते हैं क्वेश्चन, जबकि आपको कोशिश क्या करना चाहिए कि आपका जो विषय है, जो पक्ष स्ट्रांग है, आप इंटरव्यू लेने वाले को उस तरफ मोड़ो है ना। मान लीजिए क्रिकेट में मेरे बहुत अच्छा नॉलेज है तो मैं कैसे कैसे करके क्रिकेट की बात ले आऊं ताकि सामने वाला मेरे को इंटरव्यू पर पूछे कि दूसरी पूछे तो मैं अच्छे से बता सकूं, ना कि मैं अंतरिक्ष की तरफ ले जाऊं कि मेरे को मालूम ही नहीं है अंतरिक्ष के बारे में। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले को हम किस तरीके से ट्विस्ट करके और अपने जो मजबूत पक्ष है उसको मारें। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती करने के पैसे को बैठा था लेकिन हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले को घुमाने का प्रयास करते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाला है डेफिनेटली बड़ा भाई है लेकिन हमको कोई चीज नहीं है, तो हम क्या करते हैं जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था घुमाने के लिए माया देवी का मंदिर। अब इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि अपने को नहीं मालूम बाई चांस है ना, तब हम क्या बोले डोंगर में बहुत बढ़िया मंदिर दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमें आत्मविश्वास की कमी कि हम तो आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात नहीं करते, हम घबराते हैं, अंदाजी फलक के हिसाब रहता है वो करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे में आत्मविश्वास की कमी सामने वाले को जज कर दे। मान लीजिए मैडम बैठी मेरे से कुछ पूछे नहीं, मेरे फॉलोअर ठीक से बात करते मैं क्या करूं, लाइट देख के बात करूं सर को ठीक से मालूम नहीं है सर, ऐसी जुगाड़ करने का प्रयास करें, वो चीज इंटरव्यू वाला भी समझ जाता है। यदि आप आई टू आई कॉन्टेक्ट से बात नहीं करते हैं तो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास में कमी जो है वो प्रदर्शित होती है। तो एक दो बातें थी आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाएंगे और चलेगी और आप देखिएगा जहाँ तक आप पहुंचेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। मेरे एक रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है या कोई चीज पूछना है तो आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन पूछिए, ये बहुत सुनहरा अवसर है। ज्यादा नहीं है आपसे 10-15 साल ही बड़े हैं, वैसे पेशे से वो मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो आपकी बातें समझते हैं बहुत, के बुजुर्ग आपने आ जाएगा तो आपके बोलने में हेजिटेशन लगता है कि सर क्या सोचेंगे,
टीचर भी कोई नहीं सोचता, लेकिन हम अपने मन में खुद ही प्रश्न बनाते हैं, खुद ही जवाब आंसर देते हैं, और इस वजह से बहुत सारी चीजों को हम नहीं जानते। तो आप सबका प्रेजेंटेशन हो जाने दीजिए, और उसके बाद जो भी आपकी जिज्ञासा होगी, जैसे कल साइंस कॉलेज में बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमको सीवी बनाना नहीं है, पुराना जो पैटर्न है या नेट पे देखकर जो बनाते हैं, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का उन बच्चों का, जो भी लोगों को सीवी बनाने में दिक्कत आती है किसी भी चीज की दिक्कत, तो यहाँ भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो अपना व्हाट्सएप नंबर सबको दे दीजिए, और आप लोग का एक सीवी का ग्रुप है, तो जैसे मॉडर्न जैसे बताया ना कि HDFC में काम किया, रिलायंस ने किया, ICICI ने किया, तो वो कंपनी कैसे टाइप का आपका बैंक करना चाहते, कैसा सीवी चाहिए, अपन लोग को वो ट्रेडिशनल वाला अपन बनाते, और वो लोग तो वो सब चीजों को आपको वो गाइड कर दे, है ना। और मैं ममता मैडम और ऑर्गेनाइज किया कल हम लोग ऐसी ममता मैडम ने किसी काम से फोन लगाया था कॉलेज से संबंधित, और ऐसी बात हुई तो ये हुआ कि भाई अरे सर हमारे कॉलेज में जरूर आना, हमारे बच्चे भी जब साइंस कॉलेज में वर्मा सर का अच्छा हो सकता है तो साइंस कॉलेज में क्यों, तो हम लोग जो अभी तिवारी सर के साथ मतलब ना बोल ही नहीं सकते, तो वास्तव में विश्वविद्यालय से ऐसा संबंध है कि ना कोई सवाल ही नहीं है, तो आपके लेक्चर को एंजॉय करिए, और जहाँ भी कोई दिक्कत होगी जरूर पूछिए, इसको भी लगा लें, इधर तो जरूरत नहीं पड़ी, छोटा हॉल है। बल्कि काम कर लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं। नहीं मैं जानबूझकर जैकेट उतारना चाहता हूँ। अच्छा आप सब सुन पा रहे हैं, आखिरी तक आवाज जा रही है मेरी, इससे बड़े हॉल में भी आखिरी तक जाती है तो यहाँ तो गूंज के टकरा के वापस आएगी। दो तीन बातें, एक आप देख चुके होंगे सर से पांव तक अभी तक मुझे थोड़ा बहुत, तो ब्लेजर उतार दूं क्या था वो कि बहुत कॉर्पोरेट लुक से, वो मैं आया किसी और मकसद से हूँ और थोड़ा सा ये वाली चीजें लिखी, चूंकि दिल के बहुत करीब ट्रेनिंग, मैं कभी भी ना नहीं बोल सकता, भले रात बिरात पर किए भी है मैंने, रात को 11:30 बजे तक ट्रेनिंग दी है PW एम्प्लॉइज को, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, खूब अगर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ चुका हो तो मैं जरा थोड़े सा, उससे क्या होगा कि ना आप लोगों को ये भी लगेगा कि हाँ थोड़ा सा दोस्त समान है, वरना वो टाई ब्लेजर बड़ा एक अवरोधक भी बनते हैं कभी कभी। तो पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात अभी किसी को मन में हल्की सी शंका आई होगी साहब कि प्रशांत श्रीवास्तव जी बोले कि कल बंद करवाना पड़ा 4 घंटे, तो ऐसा नहीं कि मई बोल रहा था, पर मुझे बंद कराना पड़ा टोक के, बोले सर बच्चे एकदम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं, वो चल रहा था, आज भी वैसा जहां तक तो होगा ऐसी मेरी उम्मीद है। तो क्या डेजिग्नेशन है मेरी, क्या ये सब अभी फिलहाल भूल के अभी एक बड़ा सुनहरापन सफर शुरू करते हैं, मेरी मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ा सा व्हाट्सएप छठ की पूजा वाले फोटोज फेसबुक जो भी आपके चल रहे होंगे ननन बहनोई इन सब के, एक एक घंटा उसमें से बाहर आ जाना है ना, फिर लाइक और डिसलाइक कर लेना, घर से फोन वोन मैंने अक्सर देखा है कि बाद में फिर बहुत, तो मैं तो आई ऑल्सो ट्रेन कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, आई हैव टेकन सम सेशंस फॉर 3 months, यू नो रिग्रेस सेशंस फॉर 3 months, वेयर इन द वीपीज एंड एमडीज ऑफ द कंपनी एंड द जनरल मैनेजर एंड द एम्प्लॉइज एंड एवरीवेयर वेयर देयर, तो 3 महीने बाकायदा हम हर हफ्ते जाते थे और उनके एक प्रकार से इन्विजिलेशन जो होता है वो हम किया करते थे कि कैसे कहाँ तक पहुंचे, क्या बदलाव आ रहे हैं करके, है ना। तो 18 साल से ट्रेनिंग में हूँ, कुछ ना कुछ एक अलग हल्का सा कोई जायका जो है वो अलग मिलेगा। यूट्यूब में बहुत सारे अपने वीडियोस देखे होंगे, मेरा ऐसा एक बड़ा हम्बल सा दावा है कि शायद आज यहाँ से आप कुछ कुछ ठोस मॉनी ट्रेनर और ब्रेन लैंग ये सब चीजें बताइए कि हम आगे भी देखेंगे। अच्छा ये कैसे करते हैं आप लोग, इसके अंदर पे है ना, क्योंकि एक्टिव इसी को ना पीपीटी को मेरे ख्याल से एक्टिव ही है वो, एक्टिवेटेड ही है, नहीं नहीं लग गया, माउस भी लगा है, हाँ देखिए अब देखिए। अच्छा रुको क्लिक करके होगा क्या, नहीं नेक्स्ट वाला कैसे जाएगा,
मेरे को लगता है आप वो डबल स्क्रीन कर लो, हो रहा है राइट? ओके हाँ जी, हाँ तो बैठे रहिएगा। फिर थोड़ा इसको लेते हैं या फिर सीमित मात्रा इंटरव्यू के बेसिक्स कि इंटरव्यू डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू, हाथ ऊपर करें बताएं, छोटा हॉल है अच्छा खासा मेरे तक आवाज पहुंचेगी, आपके दिमाग में आपके जहन में जब इंटरव्यू आप सुनते हैं तो क्या आता है, उसको किस प्रकार से डिफाइन, क्योंकि अक्सर क्या है ये चिड़िया को जब तक हम पिंजरे में कैद ना करें ना आप उसको डोमेस्टिक नहीं बना सकते, नो द परफेक्ट डेफिनेशन। और शायद मेरा दावा है अगेन कि जो अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कुछ हमारे वार्तालाप के बाद में, शायद आपने नहीं सुनी होगी पहले और आपको लगे कि बहुत कारगर है आगे पीछे कहीं से भी। वेरी गुड, व्हाट इज योर नेम? पहली बार अब इसका एक कारण है, रिया और अभिषेक तो नहीं जानते एक दूसरे को भाई, ऐसा तो नहीं मैंने इशारा कर रहे जैसे कपिल शर्मा के शो में पता रहता कौन उसके पीछे, इसलिए मैंने तारीफ करी इनकी कि सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पे स्टीफन कवी ने जो लिखी है उन्होंने जो सात हैबिट्स बताई हाईली इफेक्टिव पीपल सक्सेसफुल पीपल की, उसमें सबसे पहली हैबिट ही प्रोएक्टिव है। मैंने मंच दिया, सबसे पहले रिया ने हाथ उठाया, सर मैं आगे, प्रोएक्टिवनेस इज अ वेरी ब्यूटीफुल हैबिट, है ना, बहुत अच्छा लगता अगर और बहुत सारे लोग हाथ उठाते, बट कोई बात नहीं सीखते रहते हैं हम, लर्निंग इज अ एंडलेस प्रोसेस। हाँ जी रिया जी बताइए। हाँ जी वेरी गुड, इन्होंने बखूबी एक पूरा बैठी रिया जी थैंक यू, एक बकायदा जो प्रोसेस होता है कंप्लीट इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे सिलेक्शन और वो, वेरी गुड आई अप्रिशिएट। फिर भी एक अगर अपन एक जो डेफिनेशन छोटी सी होती है अगर परिभाषा हम बनाने की कोशिश करें तो नेवरदलेस, वैसे कितना समय है मैम पहले बता दीजिए आप, एक घंटा ना, ठीक है बैठेंगे ना आप लोग एक घंटा? हाँ मैम बैठेंगी आप? हाँ नहीं आप ऐसा थोड़ा ऐसा देख रही है मुझे तो मैं बोला कि हमें तो आधा घंटा बोला था, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ जी ठीक है, अच्छा नहीं नहीं अरे नहीं मैं ध्यान आपका दोस्त, वो अटेंडेंस शीट घूम रही है क्या मेरे भाई मित्र? यार वो अटेंडेंस शीट कोई बात नहीं, अपन सब यही बैठे हैं बाद में कर लेना, वो क्या ना बड़ा ऐसा एक मैं आपको ऐसे सिनारियों पे लेके जाना चाहता हूँ, इंटरव्यू चल रहा है ठीक है, अब किसी एक शख्स का नाम ले लेते हैं अपन लोग जो थोड़ा सा, आपका नाम बता दीजिए, भावेश, बैठो भावेश। अब इसमें कहीं भी भावेश का कोई मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा ना हो फिर आप उसके बाद में छेड़ने लगो भावेश को, पर हुआ यह कि भावेश नामक एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए गए और वहां पे वो इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने एंटर किया बैठे और उन्होंने पूछा कि जो नॉर्मल जनरिक एक होता है हाउ हेलो हाउ आर यू, तो भावेश ने शुरू किया आप देख लीजिए नरेशन वन चल रहा है उसमें नीचे लिखा हुआ रिकवर, वो एक संकेत है, अब भावेश ने शुरू किया सर ठीक है अब तो काफी हद तक रिकवर हो चुका है पांव, पांव रिकवर हो चुका है क्या हो गया पांव को आपके? सर वो एक्सीडेंट हो गया था ना
एक्चुअली टू व्हीलर से गिर गए थे इसलिए, ओ हो हो, अरे संभल के चलाया करिए भाई। नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं हमेशा ही संभल, मैं बहुत मैंने वो करता हूँ सर, पर वो रात को 2:30-3 बजे जरा बिल्कुल लाइट कम थी और दुर्ग के वो सड़क पे आप तो जानते हैं। अच्छा भाई ऐसा क्या हो गया जो रात को 2:30-3 बजे आपको गाड़ी से? सर वो एक्चुअली पार्टी से लौट रहे थे, दिवाली में अक्सर हम कई साल से हम लोगों की पार्टी चलती है फ्रेंड्स लोगों की, तो वही सर जरा ऐसा खाना पीना, तो एक्चुअली महेश जो है उसको मैं और सुरेश घर छोड़ रहे थे। भाई एक मिनट, आपने कहा आप टू व्हीलर से गिर गए थे? हाँ सर टू व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ। नहीं फिर महेश और सुरेश मतलब आप? हाँ सर ट्रिपल सीट थे हम लोग। अच्छा ट्रिपल, यार ये तो बड़ा रिस्की है सर, मैं जानता हूँ क्या करूँ सर, इनफैक्ट हेलमेट भी नहीं था उस दिन, तो बाल बाल बच गया, पर वो भी था सर कि महेश को क्या है सर वो थोड़ा मतलब ज्यादा पी लेता है तो संभालने के लिए। अच्छा मतलब ड्रिंकिंग्स आपके? हाँ सर हर साल, मतलब वही तो पार्टी थी दिवाली की हमारी, हम रखते ही है फ्रेंड्स लोग, इतना हमारे अच्छे रिलेशनशिप है सर कि हम कॉलेज से जुड़े हुए हैं, स्कूल से जुड़े इनफैक्ट, और वहीं से सर ऐसा। और मेरा तो सर ऐसा है कि मैं 2-3 पैक के ऊपर ज्यादा लेता भी नहीं, वो थोड़ा सा हवा के कारण चलते वो डिसबैलेंस होके गिर गए ऐसा। अच्छा भाई ठीक, ओके ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट ये एक, ठीक है कट, मतलब इतना एक छोटा सा पोर्शन। मुझे एक बात बताइए, किसी भी डेजिग्नेशन, मुझे नहीं पता किसके लिए, भावेश नामक वो बंदा इंटरव्यू के लिए गया, सिलेक्शन के कितने प्रतिशत चांसेस हैं आपको लगता है उसके होने? सच्ची? पर यार वो गोल्ड मेडलिस्ट है कॉलेज का, 99% के नीचे प्रतिशत उसको ना कभी स्कूल में मिला, ना कॉलेज में, ना कहीं किसी चीज में, उत्तीर्ण जिसको बोलते ना वैसा होता हर परीक्षा में, अच्छा खासा अनुभव है उसको, अब तो हो जाएगा सिलेक्ट आपको लगता है? चलो आते हैं इसके ऊपर। नरेशन टू कॉन्टेक्ट, रिया ने अब देखो प्रोएक्टिव का कितना फायदा, अब क्या है ना मेरे को बड़ा याद, कल भी दो बच्चे थे, एक का नाम था समीर, एक का नाम था एकता, देखो कैसे छप जाता दिमाग में, मैं तो उनसे कभी पहले नहीं मिला, अब यही चलता रहेगा। भावेश, भावेश को तो खैर धोखे से मैंने पकड़ा, सॉरी भावेश, बट रिया मैडम प्रोएक्टिव थी, तो अब रिया, रिया इंटरव्यू ले गई, अब वो जेनरिक है साहब, वैसे ही आप माने बिल्कुल इंटरव्यू चल रहा है किसी भी डेजिग्नेशन कहीं पे भी जाए, मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी, एजुकेशन। यस रिया कैसे? ऑल वेल सर, ओके ठीक है, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यहीं से एक प्रकार से शुरू होती है चीजें। अच्छा कहीं भी ऐसा लगे ना आपको लगे अरे सर क्या आप अमेरिका लंदन वाली बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता भारत या छत्तीसगढ़ में, ऐसे इंटरव्यू नहीं होते, तुरंत हाथ उठाना, भूल जाना कि यहाँ पे 3 ऐसे लोग बैठे हैं जो बाद में आपको आओ बेटा तुम मार्क्स तुम्हारे, बिल्कुल ऐसा नहीं, आप बिल्कुल उन्मुखता से मेरे साथ में कनेक्ट हो, यही मेरा जरिया है, इसलिए वो ब्लेजर तो कनेक्ट की थी। रिया ने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया, सर रिया चक्रवर्ती, क्या नाम बताया आपने? कश्यप, ओके रिया कश्यप मेरा नाम है सर, डैडी का नाम ये है सर, वो यहाँ के MP MLA हैं, मेरे जो बड़े भाई हैं वो कॉरपोरेटर हैं सर, और मेरी भाभी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, जो और ऐसे उन्होंने 3-4 कॉन्टैक्ट बताए, जिसके अंदर पे उन्होंने ये भी बताया कि इनके जो सबसे बड़े भाई हैं सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। नहीं मतलब भाई है तो है ना, मतलब क्या छुपाएगी वो, उन्होंने ये बताया। इसके आगे इंटरव्यू चला, काफी अच्छा इंटरव्यू चला, 1 घंटे चला। किन किन को लगता है कि इनका सिलेक्शन हो गया होगा रिया का उस इंटरव्यू में? अच्छा किसी को ऐसा लगता है मन में कि कुछ खटक गया ऐसे करके इंटरव्यू में, यहां तक जो इंट्रोडक्शन दिया रिया ने, और रिया भी वैसी गोल्ड मेडलिस्ट 99%, बहुत ही अनुभव ये वो, तो मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप थोड़ा ऐसा सब तो वैक्सीनेटेड हो, थोड़ा सा मास्क भी नीचे करके बात कर सकते हो, सिलेक्शन हो जाएगा रिया का? अरे पर आगे क्या हुआ इंटरव्यू में आपको बता ही नहीं रहा, पूछ भी नहीं रहा, पहले से ही आपने मनोधारणा बना ली। अच्छा चलो क्यों नहीं होगा, ओके ओके अच्छा, तो पिताजी MP MLA हैं और मदर सुप्रीम कोर्ट में जज है, और एक धोखे से भाई या बहन है तो वो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, भाई कम तो नहीं कर सकती घर के सदस्य, अब ये बताया उन्होंने, अब बताइए अब हो जाएगा नहीं होगा? चलिए हाँ जी, अच्छा हो जाएगा, कितने लोगों का लगता है कि नहीं होगा? एक मन की फीलिंग ऐसा है, हाथ तो ऊपर कर लो, मतलब मैंने ऐसा थोड़ी ना, चलो ठीक है
तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले अच्छा पहले इसमें है, आपको ये तो नहीं लग रहा कि पहले वाले का भी हो जाएगा सिलेक्शन? भावेश का दोनों का हो सकता है? आप पहले तो नाम बताएं अपना। नहीं नहीं अरे कोई कारण है भाई, नाम बताइए आप। सुशील दुबे जी जैसे आप लोग जो है मन से प्रार्थना करना कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू लेने वाले सुशील दुबे जी जैसे इतने मतलब उदार दिल और इतने अंडरस्टैंडिंग केयरिंग आपको शायद ही कहीं कॉर्पोरेट में मिले। हाँ वो होंगे, अरे सोच विचार लग रहा है ना उनका, बनावट थोड़ी ना। तो साहब मैं आपसे विनम्र आपने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस प्रकार की गलतियां जो अक्सर अनचाहे, अच्छा ये मैंने थोड़ा एग्जैजरेट किया, आप समझ रहे ना, इसकी अतिशयोक्ति बोलते हैं हम, मैंने थोड़ा खींच लिया, बट जब तक वो चीज को ब्लो अप करके ना बताया जाए आपको माइक्रो चीजें समझती नहीं। जब बहुत बड़ी चीज को आप छोटा ना बना लो आपकी तकलीफें निकलती नहीं, तो ये एक बड़ा रिवर्स थ्योरी होती है लाइफ में। इसीलिए तकलीफ को मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा बड़ा करके, मगर देखिए गलतियां अक्सर होती हैं। सो कैन वी डिफाइन इंटरव्यू विद दिस? अकॉर्डिंग टू मी आई टेल यू व्हाट, मेरे हिसाब से अगर आप ब्रेन लैंग अभिषेक वर्मा का सुने तो इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग आंसर दैट लीड्स टू डिजायर्ड क्वेश्चन। सारांश निष्कर्ष संक्षेप में आप जो बोल रहे, मेरे को मैं 20 साल हो चुका, मैं लेते देते आया हूँ इंटरव्यू, खुद भी अपीयर होता हूँ गैलप के 7, जो गैलप एक कंसल्टेंसी है, अगर आप कभी ऐसा मौका मिले आप लोगों को कभी गैलप के बारे में पढ़िएगा, मैकिन्से के बारे में पढ़िएगा, उसमें 7 to 10 राउंड्स होते हैं और वो अलग अलग कंट्रीज से लिए जाते हैं, कभी जापान कभी चाइना कभी रशिया, मतलब ये नहीं कि वो उनकी लैंग्वेज वो इंग्लिश में ही रहती है, बट यूएस यूके, बिकॉज अगर आप गैलप में अंदर चले गए तो आपको मल्टीपल कंट्रीज में काम करना पड़ता है। वो एक कंसल्टिंग फर्म है, वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स इन इंडिया, इन द वर्ल्ड इनफैक्ट, है ना, मैकिन्से आप नाम सुने। उसके 7 राउंड्स मैंने क्या बोलते क्लियर किए थे, और वो बाकायदा रिकॉर्ड करते हैं, बताते हैं आपको कि हम आपका वॉइस ये वो, और वहां पे वो ट्रुथ और वो फॉल्स एनालिसिस वो सारी चीजें होती है, बहुत ही कठिन होता है। मेरा फाइनल इंटरव्यू मार्क थॉम्सन के साथ पे था जो कि एशिया पैसिफिक हेड है, अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से जब हम और जुड़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उनके साथ इंटरव्यू नहीं हो पाया। पर इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, तो आप प्लीज ये समझिएगा कि कुछ अगर मैं चीजें निकाल के दे रहा हूं आप उसको नोट कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, जो आपको जैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग आंसर दैट लीड्स टू डिजायर क्वेश्चन। यहां पर आप देखिए वापस से उसे चलते हैं, कैसे हो, हाउ आर यू, सर अब तो रिकवर काफी तक हो चुका है, इससे क्या आया इस क्वेश्चन से, ये जो इन्होंने जवाब दिया इससे क्या क्वेश्चन निकल कर आया, रिकवर भाई किस चीज का रिकवर, सर वो टांग एक्सीडेंट हो गया था ना, 2 व्हीलर से गिर गया, ओहो अरे रे 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 भाई संभल के चलाया करो, नहीं सर वो तो मैं चलाता ही हूँ रात के 2:30-3 बजे जरा अंधेरा, अरे इतने रात को कहाँ, आप देख रहे हो कैसे एक जिसको हम कहते हैं क्रमावली जो है ना सिंक्रोनाइजेशन होता गया। अगर भावेश ये कहते कि सर ऑल फाइन तो क्या होता, नेक्स्ट क्वेश्चन आता, जो इनके कहीं टांग दारू सुरेश महेश लिंग नहीं होता, किसने एक्सपोज किया, और अगर चाहते तो स्मार्टली वो बात करते कैसे हो रिकवर, जैसे अभी प्रशांत श्रीवास्तव जी ने आपको हिंट दिया, सर वो पैर रिकवर हो रहा है, बाकी तो आई एम एब्सोल्युटली फाइटिंग फिट, पैर रिकवर हो रहा है क्या हो गया था, सर वो एक्चुअली फुटबॉल खेलते ना हमेशा, नाउ सी द एंगल टू इमीडिएटली चेंज्ड, या क्रिकेट खेलते हैं हमेशा, और क्रिकेट एक ऐसा मतलब आप समझ रहे हैं भारत में तो ऐसा मतलब खतरनाक है कि कल फटाके फूटेगा मैंने सर, ठीक है। तो साहब ये अगर कहीं किसी को इसके अंदर पे कुछ है ऐसा तो आप प्लीज मेरे को या तो अभी पूछ सकते हैं हाथ उठा के, या तो फिर बाद में पूछेंगे, उसका फायदा ये होगा कि और चीजें आपके पास में एक्युमुलेट हो जाएंगी, आप फिर पूछ सकते हैं। आगे चले तो मन लग रहा है सफर में जैसी अपनी गाड़ी जा रही है, हाँ जी अच्छी बात जी बात। साहब एक और चीज है कॉन्सेप्ट में आपके साथ में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा इंटरव्यू को लेके, और वो ये है कि जैसे आपने भी बिल्कुल सही कहा था रिया, बेसिकली अगर उसकी में जिस समरी और नहीं गई तो डेफिनेशन हो गई, और फिर अगर हम एक प्रक्रिया देखें, अगर उसको संक्षेप में बहुत छोटेपन में उस प्रोसेस को समझना चाहते हैं अगर हम उस प्रोसेस को, तो वो है कि कॉन्वर्सेशन टू गेज और जज अ मैच, बड़ा सिंपल साहब। इंटरव्यू क्या है, ऐसी वार्तालाप ऐसी बातचीत है जिसमें मैं तय करूं कि ये फिट है कि नहीं,
वो तय करे कि भाई मेरे लिए ये लायक है कि नहीं जॉब, ठीक है, है ना। कितनी सरल, देखो छोटी सी पुड़िया बना दी है, इसके अलावा लिटरली और कोई दुनिया में इंटरव्यू नहीं है, यही प्रोसेस होता है। इसमें देखिए कुछ कलर कोडिंग है दी हुई, जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कॉन्वर्सेशन टू गेज और जज अ मैच, इसमें आपका जो मेहनत है वो लाल रंग से दर्शाई गई है। कॉन्वर्सेशन 100% आपके कंट्रोल में है, गेज और जज 50% आपके कंट्रोल में है, 50%, क्योंकि आप आधे ही खेल पाओगे ना, आधा गेम तो उसके हाथ में, आपने जो बोला, जो प्रदर्शित किया, जो दिखाया, सारी चीजें बताई, अब उसके पास में वो निर्णय लेना है कि भाई ये बेस्ट फिट है कि इसके पहले वाले जो भावेश आए थे या इसके जो रिया आई थी वो कौन परफेक्ट फिट है, माधुरी चेस है ना, वो 50% उसका गेम है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। 50% आप अपना बेस्ट दे सकते, सही है यहां तक। और साहब आखिरी है देखो मैच, अब ये ना आज थोड़ा सा एक प्रकार से आप ये माने कि हल्का इंट्रोडक्शन सेशन भी है, एक घंटे सवा घंटे जैसे भी चलेगा, लेकिन जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ में तो इसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन हम करते हैं, काफी डीप एनालिसिस अपन करते हैं, ताकि आपको एकदम यू नो बहुत गहरी बातें समझ में आए। मैच बहुत बार डिबेट हुआ, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं 25-40-50 साल के, यहाँ पे मैं एक जन के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, मेरी पर्सनल वेबसाइट है, उसमें उन्होंने टेस्टिमोनियल भी लिखा है मेरे बारे में, मेरी ट्रेनिंग के बारे में। तो उनके साथ में भी कभी कभी मेरे यू नो मत ऐसे हो जाते हैं, वो कहते हैं यार अभिषेक मैच तुमने 100% क्यों लिख दिया उस कैंडिडेट के ऊपर, उसका थोड़ी ना है, ये भी 50-50 आना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ नहीं, इसके अंदर 100% आपका आना चाहिए। अच्छा, मैं जिस ट्रेनर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने तकरीबन अगर किसी ने JCI नाम सुना, जूनियर चैंपियंस इंटरनेशनल, JCI करके एक संस्था है जो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग, जैसे रोटरी आपने सुना होगा ना, डेफिनेटली रोटरी सुना होगा, लायंस सुना होगा, है ना, यहाँ पे भी होंगे बहुत लोग। अब वो पैसे वाले लोगों का थोड़ा है उसके अंदर उठना बैठना, किटी पार्टीज और ये सब, वो सब तो सोशल वर्क भी करते हैं, मगर सिर्फ ट्रेनिंग को लेके अगर कोई प्राथमिक रूप से काम करता है प्रमाणिक, वो है JCI इंडिया में। बहुत बड़े बड़े ट्रेनर निकले हैं उसमें से, एक बहुत छोटा सा एक ट्रेनर मैं भी हूँ, जो जोन ट्रेनर का मुझे अवार्ड मिला था, बेस्ट अपकमिंग जोन ट्रेनर। मैंने जिस बंदे से अवार्ड लिया, उनका नाम है राजीव मनियार, ये वो ट्रेनर है जिनको नरेंद्र मोदी ने 2014 में इलेक्शन के पहले, एक साल पहले से नरेंद्र मोदी का ये विजन था कि हम यहाँ पर, गुजरात की बात कर रहा हूँ, मतलब भारत तो प्राइम मिनिस्टर बाद में, गुजरात की बात कर रहा हूँ, जहां पे कि धोती कुर्ता और मुंह में गुटका और हर दीवार लाल, उस कल्चर को वो कॉर्पोरेट कल्चर में चेंज करना चाहते थे। आप सोचो उस बंदे का विजन क्या होगा जो आज भारत का प्रधानमंत्री, उसने वहां जड़ों से काम करना शुरू किया, और ये पता था उन्हें कि मैं कितना भी माइक पे लेके चीखू चिल्लाऊं कुछ नहीं होने वाला, इनको रूट लेवल पे कोई काम। तो उन्होंने ऐसे बहुत से ट्रेनर आइडेंटिफाई किए थे जो पूरे गुजरात में बैचेस बना बना के उनके ऑफिस में जाके ट्रेन करते थे, और उनको एक डिपार्टमेंट को लीड किया था राजीव मनियार, और वो मेरे साथ में अभी तक जुड़े हुए हैं। मैं उनको बहुत बड़े आइडल मानता हूँ, क्योंकि उनका बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है, उनके थ्रू उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके फाइनल करके मुझे टॉप का दिया था, उनको ट्रॉफी मेरे को मिली थी। तो कमिंग बैक, ये बताने की क्यों जरूरत आपको पड़ी कि कुछ ऐसे हैं चीजें जो मैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। मैच भी आपके हाथ में है साहब, मैच करना परफेक्शन के साथ में, देखेंगे अपन कैसे होता है। एक प्रश्न है यहाँ पे, कोई भी इंटरव्यू चलता है दो लोग होते हैं, मतलब इस तरफ कितने भी 5-6 लोग हो, बट है तो वो एक टीम और एक आप अकेले। मुझे बताइए इसके अंदर पे कौन सा आपको सही लगता है ऑप्शन, कि जब कोई इंटरव्यू चलता है प्रोसेस, उसमें इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाला बंदा, वो ऊंचाई पे रहता है, आप एक नीचाई पे रहते हैं। ऊंचाई नीचाई से मेरा मतलब है मेंटल स्टेट, कॉन्फिडेंस, सारी चीजें ले लो आप, मानसिक स्तर आपका हो गया, या फिर एक लेवल होता है ना कॉन्फिडेंस का, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, जैसे रिया और मैं अगर बात करना शुरू करें तो अपन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल पे बात करते हैं ना, कोई एकदम घबराया हुआ रहता है, अभी मैं किसी को एकदम से रैंडमली खड़ा कर दूं तो एकदम से सब पक्का जाएगा कि अरे झिझक हो जाएगा, मैं किसी को बुला लूं यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दो, समझ रहे हैं, तो एकदम से डर, तो वो जो डर है उसको कहीं ना कहीं नीचे ले जाता है ना, समझ रहे हैं। उस हिसाब से आप मुझे बताइए ए बी और सी ऑप्शन, किनको किनको लगता है कि ए ऑप्शन इंटरव्यू का सही है। इंटरव्यू प्रोसेस को हम ऐसे देख सकते हैं इस नजरिए से, ए के साथ कितने लोग हैं, ओके ओके ठीक है, बी के साथ में कितने लोग हैं, अच्छा काफी हद तक बी के साथ में आप लोग हैं, और सी के साथ में कितने लोग हैं, ओके आप क्या मतलब मैंने कैसा
उठाना है नहीं उठाना है, ये जो मैडम दिख रही है मोहतरमा, हाँ उठाया नहीं उठाया, सीख के साथ उठाया, तो आप चारों प्लीज खड़े हो जाएंगे, आप भी प्लीज खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह। हाँ नहीं कुछ नहीं, आप इतना तो कितना डर, क्या नाम है भाई आपका? अरे मैं सबसे हार्मलेस क्रिएटर हूँ देवराज, मैं तो कुछ मतलब टेंशन नहीं रह, लेकिन खड़े तो हो जाओ जगह पे अपने, आप भी मैम, इनके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि आपके ख्याल मेरे ख्याल से मिलते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। इंटरव्यू साहब बैठ जाइए, थैंक यू सो मच। इंटरव्यू अगर आप देखोगे, अगर आप पहले दिन से उसकी तासीर उसको आपने ढाल लिया दिमाग में कि मेरा लेवल ऊपर है, आपका 50% बैटल तो वहीं खत्म हो गया। अरे क्यों मानना उसको ऊपर, मतलब जितने लोगों ने एम ए किया था, गलत नहीं है, बट शायद आज के बाद में आपका सोच विचार दृष्टिकोण बदलेगा, उसको पहले से अगर आप शेर बना लोगे तो मारोगे कैसे? अब यहां पर मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, आपने पता नहीं किसने लोगों ने सुना होगा, इफ यू वॉन्ट टू मूव द वर्ल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एबीसीडी होता है ना, दुनिया को अगर ए पॉइंट से लेके बी पे जाना है, आपको कहां खड़ा होना पड़ेगा, कोई बता सकता है? गैस ओके बी, आपको और कोई? तो मैं आपको आज एक गौतम बुद्धा का एक झटका दे दूं, आपको साहब जेड पे खड़ा होना पड़ेगा, जी पे। इतनी शक्ति लगती है किसी चीज को करने के लिए, उतनी आपको अपने अंदर उतनी गर्माहट आनी पड़ेगी। इट सेड दैट इफ यू वॉन्ट टू मूव द वर्ल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यू शुड बी स्टैंडिंग एट पॉइंट जेड। इतना ज्यादा करके आपको वहां पे खड़ा होना पड़ेगा, तब असर होता है। ए पे खड़े हो, ढकेल रहे हो, तू जाना वहां पे, ले भाग, तू तो खुद इधर खड़ा, मैं कह रही बी तक पहुंचे, ए हम इधर इधर रहते, देख तो रही हूं तेरे को, क्या है सेम तो है। देखो मतलब आपके जो लोकल लैंग्वेज में अभी आप टपरी पे बात करोगे, मैं वैसे ही करके दे रहा हूँ ताकि वहां पे याद आए कि अरे ये तो बिल्कुल अपने समान ही बात कर रहा था, मेरी कोई हाई फंडा इंग्लिश बहुत गहरा संस्कृत ये वो उर्दू मैं नहीं फेंकता, तभी मेरे ख्याल से जुड़ता भी हूं मैं बहुत जल्दी। अब साहब आपको ए से बी लेके जाना है, अब कुछ लोग कहते हैं सर पॉइंट सी, नहीं अभी जस्ट तो क्रॉस किया आपने सी, मैं बी, आप तो जस्ट अभी खड़े हुए, आप हिलाओगे तो ए से हल्का सा आगे आएगा बी पे, लेकिन नहीं। बट इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि योर कॉन्फिडेंस शुड बी एक्सट्रीमली हाई, आपका मनोस्तर, आपका कॉन्फिडेंस। अरे कुछ देखो इसमें क्या होगा, सी से अगर आप कभी गड़बड़ाए ना, कुछ भूल चूक भी हो गई, कभी कभी पानी गिर जाता है कहीं कहीं पे, कभी पेन अपना नहीं काम करने लगता, कुछ फॉर्म करने भूला ये वो, अब पहले ही नर्वस आ गए हो यहां पर तो गिर जाओगे आप नीचे। इक्वल रखे हो बहुत जल्दी स्लिप होने के चांसेस नीचे है, लेकिन अगर सी वाले लेवल पे जा रहे हो, जो कि ब्रेन लैंग से जुड़ने के बाद में हम बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस कराते हैं, यहाँ पर एक कैमरा लगा है हमारे, जब हम ट्रेनिंग लेते हैं फिजिकल, थोड़ा कोरोना चल रहा है तो हम ई मोड में जाएंगे, यस मैम, अच्छा नहीं कोई बात, तो हम यहाँ पे तीन कैमरे लगाते हैं, एक आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखाता है, एक आप कैसे सामने आए कॉन्टेक्ट रखते हो वो दिखाता है, एक अलग से मॉनिटर आपको ग्रूलिंग मतलब घुमा के रख देते हैं कि आपके लिए ऐसा लगता है कि भाई कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है सीएमडी है एमडी है, तो जब आप वीपी सीएमडी एमडी को आप खेलने लगोगे तो जनरल मैनेजर और ये कैटेगरी को तो आप आराम से बचा जाओगे, समझ रहे हैं? तो वहां से अगर कुछ गड़बड़ होती है, वहां से नीचे आना मतलब आप इंटरव्यूअर के लेवल पे पहुंचोगे, फिर भी चलता है, अपनी विन विन है, ठीक है। तो साहब मैं बता दूं आपको कि मेरे हिसाब से आंसर सी है, अगर आप मेरे उसके हिसाब से चले तो, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉन्वर्सेशन जो है उसके अंदर पे आपका है, मैच आपका है और गेज एंड जज 50%। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पर्सनैलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मैंने दिखा भी दिया थोड़ा सा, मुझे बताइए हाउ कैन यू डिफाइन पर्सनैलिटी, इस बार मैं चाहूंगा कि रिया के अलावा कोई जवाब दे। पर्सनैलिटी ये भी एक बड़ी चिड़िया का नाम है ना, ये भी घूमती है आज तक, इतने बार सुना है पर्सनैलिटी। कैन एनीबडी डिफाइन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की परिभाषा क्या है? हाँ जी कंफर्टनेस, ओके ठीक है, हाँ वे ऑफ स्पीकिंग और बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस जी, ये स्कूल में बहुत नारी सशक्तिकरण के कुछ वो चलाए जाते हैं कि सिर्फ यहाँ की वो भी सिर्फ लड़कियां भावेश का नाम लेने भी मुस्कुरा रहे हैं, और लड़के तो भाई तुम लोग मतलब मैंने मार कूट के तो नहीं बिठाया, सच्ची बता देना मुझे, नहीं मतलब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो ये इतने चुप बैठोगे? पर्सनैलिटी का नाम तो सुना है,
तो बताइए आपके हिसाब से क्या है पर्सनालिटी। बहुत अच्छा, सोच विचार व्यवहार कपड़ा, यानी उसने जो पहन रखा है ड्रेस, गुड, अच्छी बात। बहुत, आपका नाम रसीम, आपने बहुत अच्छी बात की। तुम वो नीचे उतारो, हाँ आप बोलो, हाँ आप ठीक है, बस वो बड़ा फिल्टर होके आ रहा है मेरे पास। नहीं थैंक यू सो मच रसीम, आई थिंक अभी जब ये चीज अभी जो अगला पर्दा आएगा मेरे को लगता है बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा आपको, वेरी गुड। और एनीबडी एल्स, बैठिए वसीम, हाँ जी, कोई ऐसा जो अलग, हाँ जी, वॉकिंग, यानी कहीं ना कहीं वो एक बॉडी लैंग्वेज में आ गई। ओके, तो देखिए अगेन मैं बता रहा हूँ, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस वाला शायद कुछ और बताए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने देख लिया उसके हिसाब से अगर मैं अगेन उसको निचोड़ दूं, यू नो द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ जो हम लोग चलाते हैं और जो लोग जुड़ते हैं स्टूडेंट्स या कॉर्पोरेट लेवल, उन्हें ये लगता है कि अरे यार इतनी बड़ी पुस्तक को छोटे से दो चीटिंग वाले जो अपन कभी कभी मतलब इन लोग बैठे गलत हो जाएगा, लेकिन जब आप वो ऐसा लिखते हो ना छोटे कोड से पूरा याद आ जाता है। तो ये छोटे वाले कोड याद आने का फॉर्मूला मेरे हिसाब से पता ये है, लुक्स इमेज टॉकिंग हेल्थ एटीट्यूड एक्सेसरीज ड्रेस, यही आप लोग सब कह रहे थे। मेरे को अगर आप कहोगे, मुझे पूछोगे, तो मैं समझता हूँ पर्सनैलिटी इज नथिंग बट एंड। बहुत गहरे कभी सोच के देखना, एक हफ्ते दो महीने तीन महीने ले लो, मेरा अभी WhatsApp पर नंबर आएगा, कनेक्टेड रहना। इसके अलावा इससे कम या इससे ज्यादा अगर आपको कोई पॉइंट आता है, प्लीज आई एम मोर देन वेलकम टू इनकॉर्पोरेट इट। मुझे तो नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। व्यवहार, ये वो सारी बातें कम्युनिकेशन में आ गई और आप कैसे दिखते हैं उसके अंदर आ गया। एक इंटरव्यू चला, कॉर्पोरेट लेवल का इंटरव्यू है, उसमें आप कुर्ता पहन कर गए, सिलेक्शन होगा, कुछ नहीं हुआ, आप गए सिर्फ हॉल में बैठ आए, आप कुर्ता पहन, एक इंटरव्यू हो रहा है, लेडीज की बात कर रहा हूं, उसके अंदर गरबा खेलते हैं। अब घर में कुछ भी नहीं था, वही फ्रेश एकदम आयन मिस्त्री होके ड्राई क्लीनिंग आया था, और अगर आप देखोगे फेसबुक के ऊपर फोटो देखी आप लोग ने, खुद की कभी देख लेना चेक करके, उसमें जब भी पिछली बार गरबा या कुछ दिवाली का एकदम आठ चकमक गहने जेवर आपने वो लगाई होगी टीपी, आपने बोले यार कितनी तारीफ हुई, 400 लोगों ने लाइक किया, 150 लोगों ने कमेंट्स किए, तो ये तो मैं सबसे अच्छी इसमें देख रही हूँ। आप वही पहन के चले गए इंटरव्यू, सिलेक्शन होगा, पर आप पूछ ही नहीं रहे मेरे इंटरव्यू कैसा गया, ये तो बताइए पहले, फिर मैं डिसाइड करके बताऊंगी। सोचो छोटी सी चीज कितना बड़ा इम्पैक्ट मारती है, कि अगर आप घर से राजस्थानी मारवाड़ी गरबा का ड्रेस पहन के इंटरव्यू के जा रही हैं, आप खुद ये कह रही हैं कि नहीं सर मैं सबसे खूबसूरत अपने लाइफ में तभी दिखी, लेकिन देखो वो फिटमेंट नहीं था इंटरव्यू के लिए, समझ रहे हैं। मेरी हेडिंग याद रखिएगा, पर्सनालिटी में लुक्स एंड कम्युनिकेशन आर द टू डीपेस्ट ग्रेटेस्ट थिंग जो इम्पैक्ट करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। मगर अगेन ओपन टू क्लेम्स, कोई अगर ऐसे हैं जो बोले कि सर ये भी एक एलिमेंट आप ऐड करिए तो अपन जरूर कर लेंगे, जहां तक 99.98% जो भी आप बोलोगे उसको लिप्स और कम्युनिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है यहां तक। हाँ, किसी को नींद ऐसा बहुत झोंके नींद के, तो मेरा दो रिक्वेस्ट है, बहुत कसकी नींद आ रही होगी तो आप सिर्फ एक ही, आप सो जाओ, खराटे नहीं लेना। दूसरा ये है मेरा कि किसी के कंधे पे सर रख के मत सो जाना, उसको डिस्टर्ब हो, ठीक है। नहीं ऐसा बीच बीच में मैडम चेक करते रहना पड़ता है, मतलब भाई। तो पर्सनालिटी इज नथिंग बट लुक्स एंड कम्युनिकेशन, ऑलराइट। अब सब हम आते हैं इंटरव्यू के एक और आयाम के ऊपर, दो की है, वी मोड और ई मोड। वी मोड का मतलब क्या हुआ, विजिट मोड, फिजिकल मोड जो इंटरव्यूज होते हैं। ई मोड क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब ये जानना बड़ा जरूरी है, इसमें भी बहुत से पैरामीटर्स हैं। लोगों को लगता है बड़ा सहज है, अरे कंप्यूटर पे इंटरव्यू है, अच्छा दिया है किसी ने अभी तक कंप्यूटर पे कोई इंटरव्यू, फेस प्रोसेस देखा होगा अगर, तो उसके अंदर जैसे ये है लैपटॉप के सामने कैमरा रख लो उसके बाद में इंटरव्यू दे दो, ऐसा लगता है अरे तो बड़ा आसान है, अच्छा ही है, नीचे क्या पहले पता नहीं चल रहा। हाँ, सबसे बड़ा सहूलियत भाई, मेरे ऑफिस का पूरा काम वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो लिटरली मतलब है ना, तो बड़ा सुकून रहता दिमाग में। अच्छा अगर मान लो कैमरा बंद करके मीटिंग अटेंड करनी है तो फिर तो और भी जबरदस्त, पूरे सब चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे, और जब अपना आवाज दोनाए दो तो हाँ ये सर ये नो ये या। पर इंटरव्यू ऐसा नहीं होता, प्लीज समझे, वो आदमी आपसे बहुत ज्यादा आगे है, वो छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चीजें। साहब अगर आप फेस टू फेस फिजिकल इंटरव्यू में जा रहे हैं तो
लुक फॉर ड्रेस ऑब्वियसली. अब देखो ये थोड़े ना मेन ब्रॉड पॉइंट्स हैं, इनको जब अपन जोड़ेंगे आगे सेशन करते रहेंगे तो आपको और डीप में. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एटमोसफियर, वहां पे कंडीशन अप्लाई करके दिया मैंने, एस्टरिस्क मार्क डाला है वो एटमोसफियर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको उदाहरण देता हूँ, रिया डैडी मम्मी भाई बहन सब है घर में, मेरे को एक बात बताइए, अभी आप घर में जाओगे मम्मी मिलेगी घर पे, तो आप मम्मी से बात करने के पहले प्रैक्टिस करती हो बैठी बैठी, आप ऐसा बार बार खड़े जनरिक क्योंकि उसको नाम वसीम भाई, ये बताओ कि अबू जान से बात करने के पहले ऐसा रात को रिहर्सल करते हो क्या पूरी, मतलब रेहाना या किसी और के बारे की नहीं बात कर रहा है कि वो बोलने नाम, वो आगे की बात है, वो तो करनी पड़ेगी जेनरिक वे में, डेली वे की बात कर रहा हूँ भाई. ऐसा होता है कि आप खड़े हो आईने के सामने ऐसा देख के कि बाल वाल बनाया मैंने, हाँ पिताजी से अब्बू जान मैं ऐसे बोलूंगा, ये नहीं होता ना, फ्री है ना, इट इज बिकॉज बेटर आप घर के एटमोसफियर में बहुत कूल काम एकदम, मतलब चिल है, कोई बाउंड्री वो नहीं है. अच्छा इसी लहजे से इंटरव्यू अपीयर कर सकते हो, क्या अंतर है यार, बात तो करनी है अपने ही रिश्तेदारों पापा मम्मी से, बात करनी है वहां पे इंटरव्यूअर से, बात करनी है तो उतना कूल काम. अब मैं बताता हूँ उसके पीछे कारण क्या है, दैट एटमॉस्फेयर चेंजेस. बड़ा सा हॉल में कभी कभी आपको एंटर करने बोलते हैं, वो आदमी इधर बैठा रहेगा, एक टेबल रहेगा और इतना बड़ा, आपने शायद स्पेशल 26 में कभी देखा भी होगा, स्पेशल 26 अगर मूवी देखी होगी, बहुत गहरी चीजें होती है. मैं तारीफ कर रहा हूँ डायरेक्टर्स की, जो ऐसा बात, एक आदमी एक टेबल और अगले आदमी की कुर्सी को कितना समय कितना जगह लगती है, इतने में भी तो हो सकता है, बट उसमें वो क्या ऑब्जर्व करते हो, द वे यू एंटर, योर कॉन्फिडेंस जब आप चल के आते हो, कैसे आप बैठते हो, क्या आपका तरीका है, कैसे आप यू नो सामान रखते हो अगर कुछ है, ये वो छोटी छोटी चीजें वो सब ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो ताड़ लेते हैं, ऊपर से वो तो सीआईडी लेवल का इंटरव्यू था जो पिक्चर में था. तो बताने की मैं आपको कुछ कर रहा हूँ, एटमोसफियर को ढालने के लिए ना आपको तकरीबन 30 मिनट पहले जाना चाहिए. ये हल्की फुल्की बातें नहीं है जो अक्सर बोला जाता था डैडी मम्मी, अभी भी मुझे भी मेरी मम्मी है सारे बेटा जा रहा है जल्दी छोड़, अरे ठीक है ना, उस लेवल पे पहुंच जाओगे बहुत कॉन्फिडेंस की, 5 मिनट में घुमा सकते हो तो अलग बात है, सेटअप चीजें आपको इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ गया, बट अभी आपका नया नया वो है ना, आप पहले कदम रख रहे हो कॉर्पोरेट और इंटरव्यूज में, आधे घंटे पहले जाओ. फायदा ये होगा कि वहां पे बैठोगे, एसी का कंडीशन क्या है, कैसे लोग घूम रहे हैं, क्या है उधर आबो हवा क्या है, उससे बहुत आप क्लिक कर पाओगे अपने आप को, एक रिलैक्सेशन आता है, समझ रहे हैं. हर एक कमरे की अपनी वाइब्स होती है, हर लोगों के अपने एक वाइब्रेशंस होते हैं, हर एक चीज अपने आप के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करती है, उसके साथ में आत्मसात सिंक्रोनाइजेशन होने के लिए आपको थोड़ा समय लगता है, वो आप जरूर स्पेंड करें वहां जाके. हड़बड़ी में आके एकदम गेट खुला और वहां पे नाम आया भावेश, और भावेश बोले हाँ मैडम हाँ मैं आ गया, हाँ ये लो इंटरव्यू, और अपन बोले हाँ फाइनली भाई ट्रेन ट्रेन प्लेन बुलगाड़ी जो पकड़ी मैंने टाइम पे तो आ गया. अब पंगा क्या है, माइंड ही स्टेबल नहीं है तो वहां पे फंबल. वो है मेरा, अगर कोई चीजें सर्टिफिकेट्स लिए हो जीते हो उनको रखो उसके अंदर पे, ये आपको लगता है जरूरी है तो मैं आपको बता दूं, जिनको लगता है कि जरूरी नहीं है, मेरे जो डैडी हैं, मैं किंडरगार्टन से जितने स्कूल के एग्जाम्स आज तक देखते आया हूँ उसके रिपोर्ट कार्ड उन्होंने आज तक संभाल के रखे, किंडरगार्टन से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, और फिर 11th 12th तक अपन ही परिपक्व हो जाते हैं संभालने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी देखना कैसे संग्रह. मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी उन्होंने उसका फोटो, मेरे न्यूज़पेपर में अमोल पालेकर से अवार्ड मिला था उसका फोटो, ये वो फलाना ढिमका, ऐसा पूरा ऐसा एक अलग थैला घर में, बड़ा सुकून मिलता है उसको देख के, बट उससे कॉन्फिडेंस भी आता है. कोई कोई चीजें बोलती नहीं लेकिन बहुत सारा आत्मविश्वास देती है ना. गांधी जी का एग्जाम्पल देता हूँ, उसके पहले भी हुआ था, एक बच्चा था जो बहुत नमक खाता था, ये सुना भी होगा आप लोग ने कुछ लोगों ने, बहुत नमक खाता और ये एक्चुअल घटना है. माँ उसकी परेशान होगी क्योंकि नमक खाने से 2-3 बहुत गलत होती है, तो बॉडी एक तो ब्लड जो है वो आपका खून जो है वो पानी बनना शुरू हो जाता है अगर आप बहुत ज्यादा नमक खाओ, ऊपर से पूरा बॉडी को जो ना मैंने किसी भी चीज की अति खराब होती. उसकी मम्मी बड़ी परेशान थी, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ये वो बाबा पीर फकीर सबको दिखा दिया, नहीं असर. तो वो अक्सर गांधी जी जब आते थे साबरमती आश्रम में तो वहां पर वो जाया
करती थी। एक दिन अचानक देखा कि बड़ी परेशान थी, तो पूछ लिया गांधी जी ने कि भाई क्या है। तो उन्होंने बताया कि सर मेरा एक ही बच्चा है, छोटा सा है गांधी जी, लेकिन ना बहुत नमक खाता है, बहुत ही ज्यादा, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। गांधी जी बोले एक काम करो, उसको ना 2 महीने के बाद में, क्योंकि भारत की लड़ाई आजादी की सब घूमते रहते थे लोग इधर उधर, 2 महीने के बाद में मैं आऊंगा, आप एक बार। तो वो माँ बोली कि अरे आप बोलिए, मतलब आप इतनी बड़ी बात आपने बोल दी बच्चे से मेरे मिलना, मैं अभी ले आती हूँ पकड़ के। नहीं बोले अभी नहीं, 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद में जब वो लौट कर आए तो ये तो बिल्कुल लाइन में खड़ी थी कि मिलाना है, और बोली बेटा पांव छुआ बापू के। तो उसने पांव छुआ बापू के, तो बापू ने उसके सर पे हाथ रख के प्यार से ये कहा, बेटा नमक खाना छोड़ दो। चमत्कार हो गया, बच्चे ने नमक खाना छोड़ दी। कम करो नहीं, उन्होंने कहा कि आप नमक खाना छोड़ दो प्यार से सर पे हाथ रख के, उसने छोड़ दिया। 10 दिन के बाद में वो रोती रोती आई, वो बोली कि बाप रे ये, मतलब पहली बात तो ये चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए, ऐसा कैसे हो गया। डॉक्टर ये वो दवाई दारू इलाज सब करके झाड़ फूक करके देख रही है तो नमक छोड़। तो बापू ऐसा क्या, बोले कुछ नहीं, आप तो देख रही हो मैंने प्यार से सर पे हाथ रख के बोला। बोले अरे तो मैं तो जिंदगी भर सर पे हाथ रख के प्यार से बोल रही थी, क्या असर हुआ। बोले सिर्फ इतना ही था कि मैं, आपने देखा होगा मैंने आपको 2 महीने बाद बुलाया बच्चे के साथ में, ये 2 महीने मैंने नमक का एक कण भी नहीं छुआ। असर होता है बात का, जब आप बहुत साफ और बहुत कॉन्फिडेंस होते। कॉन्फिडेंस कैसे आया, बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे, वही आजकल जो हीरो हीरोइन जो पेटा का वो करती है ना, खुद पका के खा रही है तंदूरी चिकन, अगले दिन बोलती है अरे जानवरों पे बहुत अत्याचार हो रहा है भाई, वो हिपोक्रेसी डिप्लो, उनसे कुछ नहीं होने वाला, मतलब उससे कोई प्रभाव नहीं होगा। आप कभी नहीं सुनोगे कि भाई कोई एक एक्ट्रेस या हीरो खड़े होकर बोल रहा है अरे जानवरों पे अत्याचार, नॉनवेज छोड़ दो, क्योंकि अगले दिन ही न्यू ईयर की पार्टी में वो नॉनवेज खा रहा है। यहाँ पर इन्होंने 2 महीने नमक नहीं खाया, तब जब बोला तो इतना गहरा असर हुआ कि बच्चे ने छोड़ दिया। जब आप अपने साथ में अपने क्रेडेंशियल कैरी करते हो ना, आप जो बोलते हो ना वो 10 लोगों के सामने अलग से उठ के दिखता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको पता है जैसे ही उसने अगर बोला अच्छा, जैसे अभी मैंने एक अमोल पालेकर का धोखे से जिक्र किया, आप मुझे पूछो मैं आपको न्यूज़पेपर कटिंग तुरंत दिखा दूंगा, और वो भी कैसे ऑनलाइन, क्योंकि मैंने सारे स्कैन करके अपने पास में रखे हैं। इसलिए मैं हमें अमिताभ बच्चन नहीं बोल सकता, अच्छा बोलूंगा तो उसके अंदर ना थोड़ा डर रहेगा मन में ऐसा कुछ आके कि अगर धोखे से, मैं कपिल देव बोल सकता हूँ, सौरभ गांगुली नहीं बोल सकता। तो इसीलिए जैसे प्रशांत जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे थे कि ऐसा मत फेंको कि फिर खुद लपेटे में आ जाओ, पहली बार तो फेंको ही नहीं, इंटरव्यू बहुत जेन्युइन रखो, नहीं आता साफ बोलो आगे बढ़ो। ठीक है साहब, स्पीड ठीक है ट्रेन की, आगे चल रहे हैं अपन लोग। ई मोड के भी कुछ हैं जिसके अंदर वहां पर एटमोसफियर था, यहाँ पे बैकग्राउंड। अब मैम आपका नाम बताएं, आपका नाम श्रद्धा। मैडम इंटरव्यू दे रही हैं आज, जैसे वो ड्रेस में आई है, जैसे बाल बाल करके बिल्कुल वैसे ही आप समझो वो बैठी हैं और सब रेडी है। मतलब उन्होंने बोला था कि 5-10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आके सब बिल्कुल रेडी। मगर जो कैमरा होता है उसके अंदर पे पीछे बैकग्राउंड भी आता है ना थोड़ा सा, आप देख रहे हैं। तो श्रद्धा यहाँ तक तो दिख रही है, और यहाँ के जो पीछे है ना, यहाँ पर एक बहुत भयंकर जानवर फाड़ रहा है किसी, उसको देखा होगा अपने घर में लगे रहते कभी कभी फोटो, अरे शेर शिकार कर रहा है हिरन का, ऐसी एक फोटो लगी है। मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ धोखे से, दुबे साहब इंटरव्यू ले रहे हैं, वो इतने अच्छे से बात कर रही है और ना बार बार टक वहां पे जा रहे हैं, तो मार रहा है वो, तो मार दिया उसने, ये हो रहा है। वो क्या है, सल्यूट की बारी। आप लोग ना 90% ऑलरेडी रेडी हो, 10% की बारी है। Why to have distraction element? इसके background is so very important in e-board. श्रद्धा काम कर रही है, पीछे से उनकी मम्मी उनकी बहन को कहाँ चल रहा है, इसका भी ध्यान बट रहा है, उसका भी ध्यान बट रहा है। अच्छा, और ये सब मैं प्रैक्टिकल, ये कभी नहीं सोचना कि अभिषेक ना बैठे बैठे ऐसा सोचता है कि मजा आएगा बात करने में, ये सब देखा भला है। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ बड़ी खतरनाक मार, उसने वो जो आजकल वो कुछ तो भी वो सर्कल सा LED आता है वो लगा के रखा था बच्चे ने, है ना, अरे आता है ना वो जो समझ रहे हो सेल्फी का कुछ रिंग, हाँ, ग्रीन लाइट येलो लाइट फ्लोरेसेंट लाइट और सब लगा के एकदम चकमा कह रहे, मैंने देखा तो मुझे लगा रहे वाओ ये लाइट चली गई, ये हुआ है। अच्छा, अब वो बेचारा बोलते बोलते रुक तो नहीं सकता, उसको तो दिखाना है कि मैं कॉन्फिडेंस, अरे लाइट चली गई ऐसा कुछ नहीं, वो बेचारा बोले जा रहा है। लेकिन एक सिचुएशन बड़ी अजीब थी और नहीं आया कि मेरे लिए अंधेरे में वो बोल रहा है मैं सुनता हूँ, और ये 5 मिनट चलता रहा। Who is responsible? Am I responsible the interview taker? अच्छा, are you responsible? अगर श्रद्धा के घर में लाइट चली जाए उसका कंट्रोल है,
वो क्या मतलब कोई मिनिस्टर को फोन कर रहे मेरे घर की लाइट, लेकिन फिर आपको ये ध्यान रखना था कि अगर लाइट गई तो क्या होगा, क्या मेरे पास में दूसरा बैकअप रेडी है, किसी पावर बैंक के साथ कलेक्ट करके कोई एलईडी लेडी है जो ऑलरेडी चल रही है, लाइट चली भी गई तो भी हल्का फर्क ना पड़े। मैं एक जगह पे एक इंटरव्यू ले रहा था काफी सीनियर पोजीशन पे, अच्छा ये बता दूं मैं मैनेजर नहीं हूँ रिलायंस में, आई एम अ सीनियर बिजनेस पार्टनर, थोड़ा अलग लेवल है, हमारे पास में टीम रहती है 400-500 लोगों की, 1000 लोगों की ऐसी टीम रहती है, बट नेवर्थलेस मैंने कहा डेजिग्नेशन वो नहीं इंपॉर्टेंट, बट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी टीम में एक सीनियर बंदे का इंटरव्यू लेना था और बेचारा बहुत अच्छा चल रहा था हमारा, लेकिन बीच पे क्या टंग 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 घंटी बजने लगी, वो घर में अकेला घंटी बज रही है इंटरव्यू दे रहा है, वो तब तक घंटी नहीं शांत होगी जब तक कोई गेट नहीं खोलेगी, वो ये अकेला था घर में, तो उसने बेचारा उसने मेरे को बताया वाली थी कि सर आप सोचो मैंने इतने मेरे बच्चे बीवी इनको पड़ोसी क्या भेज दिया, ठीक है मेरी जो मम्मी है वो नीचे बैठी है गार्डन में, मेरे को बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था, हल्का था, इतने मैंने सर उसके ऊपर प्रिपरेशन करके रखी, पर धोबी वाला आया कपड़े लेके। अब ये तो यार प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, एक परफेक्शन के साथ में इंटरव्यू देना ना ये भी बहुत बड़ी कला, इसलिए मैंने कहा था वहां पे कि मैच जो था ना 100% आपकी जिम्मेदारी है साहब लाना। चलिए आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से हाँ थोड़ा 10 मिनट है और 10-15 मिनट और है, ठीक है क्वेश्चन आज इसके ऊपर आते हैं साहब, विच ऑप्शन विल यू प्रिफर, जवाब दीजिएगा आप मुझे, तृप्ति का मैंने नाम सुना है बड़ा मिठाई की दुकान है आपके यहाँ, रेस्टोरेंट है कुछ और, मिठाई भी अच्छी बनाता है फोटो, मेरे को लगा था मैं तृप्ति बोलूं तो ये जो महकमा इतना शांत बैठा वो थोड़ी आंखों में चमक आएगी कि भाई खाने पीने की बातें कर रहे हैं, काजू कटली रसमलाई, तो आप ही यार बहुत, सर आप अपना नाम बताएं जी, आप मास्क पहन नहीं पीछे, अरे टी शर्ट वाले भाई साहब सज्जन व्यक्ति जी 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 आप, नहीं कोई डर की बात नहीं सिर्फ नाम बताओ जोर से, दीपक, दीपक तृप्ति जाना है, मैं तो नया हूं यहाँ पे, मैंने सिर्फ नाम सुना है, ठीक है दो नक्शे खुले आपके सामने, आप मेरे साथ में हो, दो नक्शे खुले, एक नक्शा कहता है ऐसे जाओ, एक नक्शा कहता है इतना कॉम्प्लिकेटेड करके जाओ, कौन सा नक्शा लेना चाहोगे? ऑप्शन वन आप पहला वाला, दीपक आप फर्स्ट लेना चाहेंगे, ये सब लोग बोल रहे हैं इसलिए जनता का पोल लिया आपने एबीसी का, आपको भी लग रहा है कि आप सेकंड वाला नहीं लेना चाहोगे, अरे बड़ा थंब रूल सिंपल है ना, जो सहज है सरल, कोई मुझे बोले कि भाई आगे जाओ वहां से लेफ्ट, वो लाल वाली जो बिल्डिंग है उससे लेफ्ट ले लो तृप्ति आ जाएगा, बोल रहा है तृप्ति अच्छा ओके वहां जाना चाहते हैं, आइए देखिए बहुत फेमस है वैसे तृप्ति हमारे यहाँ, आप ऐसा करिए कि पहले तो आप यहां से राइट ले लीजिए, तो वो वाला हो गया, अभी मैं जल्दी कहां पहुंचूंगा, दिस इज एन इंडिकेशन दैट हाउ टू प्रिपेयर योर रिज्यूमे, आपका सीवी कैसा होना चाहिए, एंड सेकेंडली आपको जवाब कैसे देने चाहिए किसी भी, भाई इसके चार्जर लगा हुआ है ना देख लीजिए एक बार, किसी भी सवाल का जवाब आप देंगे हर चीज पीपीटी में, रिया नाम बताया था ना आपने, अब रिया को भाई वो पूछ रहे हैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, पूछा जाता है इंटरव्यू फैमिली बैकग्राउंड, अब वो कैसे जवाब दे सकती थी या दे सकती हैं, सर डैडी और मम्मी दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और मेरे भाई हैं और वो भी लॉ में है, लॉ करते हैं, कितना डिसेंट, कितना ऊपर से हेलीकॉप्टर लेके बिना बाढ़ में उतरे निकल गई, क्या वो उस एरिया से गई, हाँ बिल्कुल गई, अच्छा क्या उन्होंने जैसे आपने तुरंत बोला था शो ऑफ है ना, अब बिचारी वो मन में उसके नहीं भी है शो ऑफ, लेकिन अगर वो पहला जवाब दे वैसा हाय सुप्रीम कोर्ट के वकील असिस्टेंट कमिश्नर एमपी, तो कहीं की कहीं डिवेशन हो गया ना, आदमी बोलेगा इसको कभी भैया रिया को हड़का दिया मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, तो कौन कोर्ट कचहरी इतना करेगा, मतलब फिर लेके आए तो पालो, कभी भी आ रही है मैडम 11 बजे 12 बजे, उनका तो बैकग्राउंड है, रमन सिंह जी से कॉन्टेक्ट है, भैया अपने को तो रहना है छत्तीसगढ़ में, समझ रहे क्या आप, छोटी चीज, उसका एक तरीका होता है, कॉम्प्लिकेटेड रास्ता भी है जाने का तृप्ति, सीधा रास्ता भी है जाने का, मैं सीधा रास्ता क्यों ना लूं सर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, और ये अब कोई अगर वाकई पीछे पड़ जाए कि नहीं मैडम मेरे को बताइए गवर्नमेंट में कहां है,
तो भी आप सहजता से बता दीजिए। तुमने पूछा ना, तुम अंदर तक आके झांकना चाहते हो तो देखो क्या क्या चीजें रखी है, वरना मैं शुरू से तुम्हें बता रही थी 2 BHK। डन, ठीक है। अब जब तक ये ऑक्सीजन फिर से प्रवाह होता है इसमें और ये जागृत होता है, तब तक अपन आगे का, मेरे को क्या होता ना बड़ा, ये देखो 2 मोड है ये मेरे पास में भी। एक जब पिछली बार प्रशांत जी ने मेरे को दुर्ग साइंस कॉलेज के अंदर बुलाया था, मुझे याद है अच्छे थे कि उसके अंदर उस जमाने में 7-8 साल पहले PPT ये सब नहीं था, तो हमने कुछ ऐसी चीजें कराई थी जिसके अंदर पे कि मैं काफी हूँ, फिर मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अब आज का टॉपिक इतना संजीदा है कि उसके अंदर PPT की जरूरत पड़ती है 10% हेल्प के लिए। तो एक मिनट मैं देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से उसको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा पेन ड्राइव में करके ना। हाँ सही, थैंक यू। ये रहा रिमूवेबल, नहीं ट्रेन में भी चाय पानी का वैसा बीच में आता है गैप, तो आप समझो ये वो चल रहा है। अब फिर शुरू करेंगे अपन जल्दी से, उसको उसमें ठिकाना पड़ेगा। नहीं खोल तो दिया मैंने, डबल क्लिक मार के वो तो हो गया है, बट वो शो करोगे ना, ये देखो ये आई थिंक इसके ऊपर जाना पड़ेगा है ना। अच्छा अच्छा हो रहा है जी, अच्छा सिलेक्ट है सर, बड़ी तकनीकी चीज है सर, देखो आया। नहीं PPT से अच्छा तो ये है ना शो पावर पॉइंट सीधा इसके ऊपर जाइए। शायद आ रहा है, हाँ अब ये नीचे वाला अच्छा ऐसा करो ये नहीं, वो एक्चुअली हो गया, वो शायद खुल रहा है। अब ये देखो कितना क्लासिक एग्जांपल, अगर पहले से 4 साल लगा रहता तो अपन ये रुकते नहीं, मैं दुबई जिकली नहीं बोल रहा पर कह रहा हूं देखो इतनी प्लानिंग लगती है किसी भी एक चीज को करने के लिए ठीक तरीके से। अच्छा कल बड़ी गड़बड़ हुई, मैं ऐसा कोई निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कल शुरू होने में ही हम लोगों को 15 से 20 मिनट लग गए थे, क्योंकि वो कुछ ये लग रहा है HDMI ये वो ये वो। तो आज मैं ऐसी इनको बोला कार में, तो प्रशांत जी बोले नहीं नहीं वो तो आप देखो बिल्कुल, और था भी बिल्कुल ऐसी हर चीज रेडी तकट, मगर फिर भी एक जो छोटी सी गैप रह जाती है देखिए। अच्छा तो ये सब अपने कवर कर लिया, अब अपन ठीक है क्वेश्चंस आस्क्ड। तो जाहिर सी बात है ये हम कवर कर चुके हैं। इंटरव्यू इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग आंसर दैट लीड्स टू डिजायर्ड क्वेश्चन। ये जो आपका नक्शा है अगर आप ये लोगे तो बहुत सहज तरीके से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अक्सर इसमें अगर आपको पर्टिकुलरली कोई चीज पूछनी होगी तो आप इसको फोटो ले लो, बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। ये हम लोग इन डेप्थ कवर करते हैं। इसमें मैं आपको ये देखिए इसके अंदर लिखा है व्हाट इज अ फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट लर्निंग इन योर लाइफ, व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। इसमें अपन आपको धीरे धीरे तैयार करेंगे, क्योंकि हर एक की स्ट्रेंथ अलग है, कोई बोलती अच्छी है, कोई गाती अच्छी है, कोई लिखती अच्छी है, कोई पढ़ती अच्छी है, अलग अलग है। कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है बंदा, कोई फुटबॉल में अच्छा है, कोई गाना गाता अच्छा है। लेकिन हाँ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चन है ना ये बड़े नॉर्मल क्वेश्चन हैं, सादे क्वेश्चन हैं, मगर इनको बहुत दिमाग लगा के आप वापस से अपने नौकरी, अपने जॉब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर हर बार डाइवर्ट कर सकते हो। एक उदाहरण देता हूं, व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपकी कमजोरियां क्या क्या हैं, ऐसा कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपने सुना भी होगा। मुझे नहीं पता आप लोग क्या क्या जवाब देते, लेकिन मैं 2 जवाब ट्रेन हो चुका हूं, मैं देता हूं कि सर वीकनेसेस में आई कांट इजीली से नो, बहुत जल्दी नहीं बोल सकता मैं। किसको समझा? अच्छा नहीं समझा तो अब आप क्या करोगे? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैंने बोला आई कांट इजीली से नो, आपने प्रश्न किया व्हाट इज द वीकनेस अभिषेक, आई कांट इजीली से नो,
आपको समझा क्या, फिर आप क्या करोगे इसके बाद में? पूछोगे ना किस रास्ते से जाओगे जिसमें मैंने छोड़ा है। तो मैं तो चाहता ही हूँ कि पूछो, जितना ज्यादा इंटरव्यू में मैं बात करूंगा, कॉन्फिडेंटली बात करूंगा, अपने बारे में बताऊंगा, उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो बहुत स्मार्टली मैं जवाब देता हूँ, आई कांट इजीली से नो। तो बोलते हैं भाई मतलब क्या, तो मैं कहता हूँ सर जैसे कि अब जैसे मान के क्लासिक एग्जांपल हमारे सामने प्रशांत श्रीवास्तव दिया, ऐसा नहीं कि वो मेरे को पकड़ के लाए तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, पर आप देखो वो कितनी सारी चीजें करते हैं, मल्टीटास्कर। किसी ने अगर कुछ बोल दिया ना कि भाई ये ऐसा ऐसा करवाना है, हाँ चलो करवा लेते हैं, चलो कर लेते हैं, अच्छा वहां पे वो करना, चलो वो भी कर लेते हैं। ही ऑल्सो कांट से इजीली नो, वो किसी चीज को नहीं ऐसा नहीं बोल, अरे नहीं नहीं मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ अभी, नहीं दो घंटे नहीं, वो ये सोचेंगे कि अरे एक सेकंड, अच्छा ऐसा है यार कि कोई फोन घुमा के कुछ काम हो सकता है क्या, मैं करवा देता हूँ। और ऐसे बहुत से लोग हैं, आपके प्रिंसिपल साहब भी ऐसे होंगे, ममता मैडम भी ऐसी होंगी, मल्टीटास्किंग। उससे क्या पता लगा जब मैं ऐसा जवाब दूं उसको, उससे क्या पता लगा यार ये बंदा तो मल्टीपल काम कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको अगर हम सिलेक्शन इस डिपार्टमेंट में कर लें ये बाकी भी चीजों के ऊपर ध्यान देगा। आपने वहां पे एक पॉइंट कमा लिया, ठेका किसने था, आपने, चला वो वहीं पे, आपने पॉइंट कमा लिया। दूसरा मैं बोलता हूँ वीकनेसेस, आई एम अफ्रेड ऑफ कैनाइंस, कैनाइंस मतलब कुत्ते, मुझे वाकई डर लगता है, बहुत ऑनेस्ट हूं मैं। अगर आप मेरे को वहां छोड़ दो और आप बोलो छोटा सा कुत्ता घूम रहा है, मैं टाइम लूंगा, मैं बोलूंगा किसी को भेजो आने के लिए, मुझे डर। अब मुझे बताओ अगर मैं ये बोलूं तो क्या गलत है, मुझे कुत्तों से डर लगता है, आप मेरा इंटरव्यू है मैंने बता दिया, इसका कहीं रिलेशन नहीं है मेरे नौकरी वोकरी से। लेकिन कभी कभी एक ट्विस्ट, बड़ा हम्बल पोलाइटनेस भी रखना पड़ता है, ह्यूमन हो आप भाई, ये वीकनेस है मेरी, ठीक है। तो ऐसे हर एक चीज के हैं हमारे पास में, समय का थोड़ा वो है, लेकिन आप मतलब समझ रहे हो आप लोग जितना मैं, ठीक चल रहा है मैडम, ठीक जा रहा है क्या, आपको पूछ रहा हूँ, हाँ आप ही को जी मैम आप, अरे सबसे पीछे वाली जो मैडम बैठी है, मैम ठीक चल रहा है अभी तक जितना मैंने बोला वो आप समझे सुने? नहीं कभी कभी कुछ मुझे ऐसा देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंग्लिश ज्यादा बोलूं, हिंदी ज्यादा बोलूं या कोई और लैंग्वेज, ऐसा ठीक है गुड। अच्छा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे। वॉट इज टूडेज लेटेस्ट न्यूज, भावेश ना, भावेश आज की ताजा खबर बताओ, आज की लेटेस्ट ग्रेट वेरी गुड, या आज की ताजा खबर है दैनिक भास्कर या उससे पढ़ी आपने, दैनिक जागरण बैठी आप एक मिनट। 50 देखो मैंने कहा था जज और वो करना अगले के ऊपर, क्या मैंने आपको ये बोला कि गेज और जज 100% आपके ऊपर है, मैंने बोला सोच के बोला मैंने, देखो अभी मैं आपको प्रूफ करके देता हूं, इन्होंने जो बताया वो सटीक जानकारी है। अब इसमें ये भी पंगा है ना कि हम तो पढ़ के ही नहीं आए, हमें क्या पता, वो तो ये भी बोल दे कि भाई कोविंद जी ऑस्ट्रेलिया गए हैं हमारे प्रेसिडेंट, तो मैं तो बोलूंगी हाँ यही आया होगा, मुझे क्या पता। अब पंगा भी ये है, अच्छा किसने पढ़ा है तो आप वैलिडेट कर सकते हो, ही इज राइट कि आज की जो प्रमुख जो मेरे ख्याल से हेडलाइन है वो ये है, बट क्या ये बताना ही पर्याप्त है इंटरव्यू के समय? मैं आपको बोलूंगा नहीं। क्यों? ये जो आपने नाम लिए मैं तो उसको नहीं जानता, मैं मुंबई में आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ हेडक्वार्टर में किसी कंपनी के, तो आपने जो भी राजा रामपाल राजा भैया कुछ बताया फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो आई कैन वाओ ग्रेट यार आपने अपने शहर की प्रमुख, लेकिन वहां पे आपको नेशनल या इंटरनेशनल वाली टॉपिक के ऊपर बोलना चाहिए। आज की जो लेटेस्ट खबर है ना यही तो स्मार्टनेस है, ऐसी कोई चीज बोले तो उसको भी पता है। अब जैसे अब मैं फिर से अगर चांस दूं तो आप क्या बोलना चाहोगे खबर में लेटेस्ट? चलो अच्छा चलो 18-20 दिन पहले की वो आर्यन खान ही छाया हुआ था, मतलब मेरे ख्याल से भगत सिंह जी का उतना नहीं होगा जितना आर्यन खान को बना दिया गया, मीडिया इस प्रकार से काम कर रही है। पर अगर वो आर्यन खान बोलते कि भाई ऐसे ऐसे जमाना तो छूट गया, तो वो बहुत बड़ी हेडलाइन थी, ब्रेकिंग न्यूज थी, मैं भी जानता हूँ ये भी जानते पूरी इंडिया जानता है ऐसी चीजों को, मतलब ये नहीं कि आर्यन खान की चीजों को, मैं कह रहा हूँ उस समय की ऐसी घटनाओं को प्रदर्शित करो जिससे आपका नॉलेज भी पता लगे और रेलेवेंट भी हो। इन्होंने जो बोला मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में अभी 2 दिन से आया हूँ, लेकिन इंडिया की कोई खबर होगी वो मैं कहीं पे भी पढ़ सकता हूँ। पॉइंट समझे ना भावेश, बताया आपने सही, लेकिन देखो कैसे अगले के पास 50% जज चला गया तो बोलेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन इसको इंडिया की खबर नहीं है, भारत की जहाँ रहता है देश। व्हाट डू यू नो अबाउट योर जॉब? अब
कभी कभी ये हो जाता है कि अरे अभी तुम नौकरी दो के रखोगे ना मुझे, मुझे कैसे पता अभी से कि मैं क्या जॉब में क्या है। भाई आप रखो, मैं काम करूंगी, तब उसके बाद में आपको बताऊंगा, ये बताऊंगी कि कैसा जॉब है। जिसपे अभी नौकरी लगनी है उसके बारे में कैसे मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। जब आप इश्तेहार पढ़ोगे या आप कहीं जाओगे तो मालूम तो होगा कि फलाना इसके लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स का अगर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो वीपी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव करता क्या है वो तो मैं उनको बताऊंगा, और मैंने कैसे पास जो काम किया 18 साल में वो कैसे बिल्कुल अनुकूल है उसके, वो तो बताऊंगा। यही तो स्मार्टनेस है ये वाले सवाल का जवाब देने की। ठीक है, चलिए। वैसे ये 2 घंटे के सेशन होते हैं पर अपन उसको पिरो के जल्दी जल्दी छोटी छोटी माला बना रहे हैं। अगर कहीं ऐसा कुछ रहेगा अलग से आप पूछ लेना। हाउ सून कैन यू ज्वाइन? श्रद्धा, और यहां से एक लेंगे, नहीं वहीं से ले लेंगे। सर आप बताइए, लिवाइस का जिन्होंने टी शर्ट पहना है साहब। हाँ जी, आपका नाम? अरे तो कहाँ छुपे थे तुम इतने समय? हाय अभिषेक, आई एम ऑल्सो अभिषेक। अभिषेक और श्रद्धा इंटरव्यू के लिए गए, बिल्कुल समानांतर चल रहा है वो, उतने ही परसेंटेज, उतने ही इंप्रेसिव, सारी बातें बताई अभिषेक ने भी, सब कुछ बताया, सब ठीक है। एक आखिरी प्रश्न मैंने दोनों से पूछा, मान के चलो मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, हाउ फास्ट कैन यू ज्वाइन, हाउ सून कैन यू ज्वाइन? श्रद्धा अपने दिमाग लगा के जवाब दो ना। ना अरे मैं कह रहा हूं, अच्छा नहीं 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 समझा नहीं होगा, आप नौकरी कितने जल्दी हमारे साथ जुड़ सकती हो, कितने जल्दी आ सकती हो, हमारे को ज्वाइन कर सकती हो, हाउ सून कैन यू ज्वाइन, जवाब दीजिए। विद इन 15 डेज। अभिषेक हाउ सून कैन यू ज्वाइन? विद इन अ वीक। वेरी गुड। और कोई है? थैंक यू सो मच, बैठ। ओके, आपका नाम बताओ? ऐश्वर्या। वेरी गुड, ओके। और कोई, मतलब एक प्रकार से हाउ फास्ट कैन यू ज्वाइन, तो ये बोल रही है कि एकदम मैंने एएसएपी बेसिस पे, अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर कल दोगे तो मैं कल ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है, आप बोल रही है 15 दिन। ये 15 दिन का कारण क्या है श्रद्धा, क्या आपके दिमाग में आया? बैठे बैठे जवाब दो, कोई बात नहीं। ओके अभिषेक, आपके दिमाग में 7 दिन क्यों आए, 1 वीक जो आपने मांगा टाइम, क्यों इमीडिएटली क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे आप? मतलब एक प्रकार से जो वो कह रही है मोर और लेस वैसे ही श्रद्धा ने कहा कि भाई अगर मैं बाहर हूं तो टाइम लगेगा और ये वो चीज है, वही वाले पॉइंट्स आपके। अच्छा, अब मुझे नहीं पता ये कोइंसिडेंस है, कल एग्जैक्टली जो श्रद्धा ने बोला बिल्कुल कॉपी पेस्ट वर्जन मैंने कल बताया था वहां के कॉलेज में। कोई सहेली तो नहीं ना आपकी माँ पढ़ती है? नहीं, क्योंकि इतना इतना संजोग मिलना बड़ी बात है। एग्जैक्ट मेरे यही पॉइंट है, भैया आप कहीं बाहर रहते हो, आप कहीं कुछ काम कर रहे होते हो जो चीजें हैं, और मैं तो कहूंगा अगर नहीं भी कर रहे ना तो भी 15 दिन मांगो। अब आपने जो ऐश्वर्या जवाब दिया, पंगा क्या है कि आप जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपके यहाँ पे वो होती होगी ना, अच्छा वैसे नहीं देते, स्टडीज का एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी सहेली को फोन किया, ऐश्वर्या कि तू क्या कर रही, चल अपन गोलगप्पे खाने चलते। हाँ चल, अगर ऐसा आया इसका मतलब क्या है, वो वेली बैठी थी, इतना तो आप स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो मेरे। अगर वो कोई थीसिस, कोई रिसर्च, कोई ये मार, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही होती तो वो आपसे मोहलत मांगती, ये अभी नहीं रे शाम को करते ना, ऐसा ये आता रिस्पॉन्स। अभिषेक तुम अपने किसी दोस्त को बोलते चल पिक्चर देखने चलते, हाँ चल आ जा, अरे मैं तो तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ, चल। मतलब अरे ये तो बिल्कुल ही, अभी कल एग्जाम है तेरी, हाँ तो तू भी तो नहीं पढ़ रहा, चल। अपने आप को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी दिख, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो पहली बात तो, और ना थोड़ा उनको दिखाओ कि नहीं भाई, एक हल्का सा एकदम डेस्परेशन दिखाओगे ना तो याद रखना नौकरी में जो डेस्परेट आता है वो डेस्परेटली जाता भी है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स श्रद्धा अभिषेक ने विन कर लिए उसमें थोड़े से एक कम आप रहे। टेक्निक होती है वो ना, ये भी बोलते नहीं यार वी वॉन्ट यू टू ज्वाइन टूमोरो ऑन, आप भले कहीं काम कर रही हो और वो कह रहा है कि नहीं मैडम इतना लंबा टाइम, श्रद्धा को अगर बोले 15 दिन तो नहीं हो सकता, आप मैक्सिमम 2 दिन के अंदर ज्वाइन करो। अब यहाँ पे तो जवाब बन के आता है जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ पुड़िया, वो ये है
सर दैट इज फाइन, बट देन वहां पर भी सर मुझे कंपनी को इत्तला देनी है, उन्हें एटलीस्ट 15 दिन तो चाहिए कि मेरे गैर हाजिरी में जब मैं जाऊंगी तो कोई बंदा या बंदी सिलेक्ट करके रखे, उनको कुछ तो देना पड़ेगा सर। इतने समय से उनके साथ काम कर रही हूँ, उन्होंने हर बार रिस्पेक्ट करी है मेरी फीलिंग, आई के नॉट ज्वाइन सो फास्ट सर। इससे दो बातें पता लगी, एक तो उसकी मैच्योरिटी, एक तो उसकी सेंसिबिलिटी, उसका काम के प्रति समर्पण। सेकेंडली और एक क्या चीज पता लगी पता आपको, वो तो हो गई पता लग गई, उससे ये चीज पता लगी अभिषेक वर्मा का अगर इंटरव्यू ले कि भाई तुरंत धक्के नहीं चली जाएगा कहीं से अच्छा ऑफर मिला, अगर वहां पे मैं ज्यादा तनख्वाह दे के बुला रहा हूँ उसको तो लपक के आना चाहिए, लेकिन वो अगर फिर भी 15 मिनट का दे रही कि नहीं उस कंपनी को सर रिश्ते खराब नहीं करने, ऐसी मेरे पास में जब छोड़कर जाएगी तो मुझे भी 15 से 20 दिन देगी, तो ये बहुत। हाँ जी प्लीज, फ्रेशर हो। हाँ नहीं तो अच्छा, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि रस्सी को इतना खींचो कि टूट जाए, मतलब वाकई खाली बैठे हो, कल से ज्वाइन कर सकते हो, और वो बोल भी रहा है मैडम हमको ज्वाइन करना है, आप बोले यार अभिषेक वर्मा सर ने 15 दिन लिया था, तो भाई 15 दिन अब मैं क्या बोलूं कुछ करके फिटमेंट, पता चला आप 15 दिन बात करें तो वो बोले नहीं मैम सॉरी 2 दिन में युक्ता ने ज्वाइन कर लिया हमें सॉरी, तो क्या जवाब होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं ये कह रहा हूं कि अब ये वाला सवाल कब आएगा आपको लगता है इंटरव्यू के, भाई लास्ट में आएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपने वही मैं कह रहा हूँ एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आबो हवा सारी चीजें देख लो, अगर वाकई एक रिक्रूटमेंट ऐसा है जिसके अंदर अच्छा यार पहली बात तो खाली बैठे हो ना, अच्छा